हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर मधु आज़ाद और इस वीडियो में हम बात करेंगे वेरिकोज वेंस के बारे में, यानी कि जो पैरों के ऊपर जो आपकी जो वेंस होती हैं वो ब्लू हो जाती हैं, वो स्वेलिंग हो जाती है, उनके अंदर पेन हो जाता है। तो होम्योपैथी में कौन कौन सी मेडिसिन हैं जो काम आई जाती हैं? सबसे पहले पल्सेटेला। इसमें क्या होता है कि ब्लूनेस होती है, सोरनेस होती है, दर्द हो रहा है, जैसे कि दुख रहा है, और अगर पैर लटका रहे हैं तो दर्द ज़्यादा बढ़ रहा है। नाइट के टाइम पे दर्द ज़्यादा बढ़ रहा है, सिकाई कर रहे हैं तो दर्द ज़्यादा बढ़ रहा है, और ऐसा फील होता है जैसे पैरों में से गर्माहट सी निकल रही है, तो ये है पल्सेटेला। एक और गर्माहट निकल रही है रेमेडी जिसके अंदर गर्म गर्म फील होता है, वो होती है आर्सेनिकल। हाँ, पल्सेटेला अगर प्रेगनेंसी के दौरान अगर वेरिकोज वेंस होते हैं तो पल्सेटेला भी अच्छी रेमेडी है। आर्सेनिक में क्या होता है कि अगर उसके अंदर भी ऐसा लगता है पेशेंट को जैसे आग निकल रही है, कि इतनी ज़्यादा गर्माहट है कि आग निकल रही है, और इसमें भी नाइट के टाइम पर तकलीफें ज़्यादा बढ़ जाती हैं। जैसे पल्सेटेला के अंदर था कि हैंग करने से दर्द ज़्यादा बढ़ रहा था, एक और रेमेडी होती है इसमें हैंग करने से दर्द बढ़ता है, वो थी वाइपरा। वाइपरा के अंदर लेकिन दर्द इतना सीवियर होता है कि ऐसा लगता है कि जो नसें हैं वो फट जाएंगी और वो पैर हैंग ही नहीं कर सकते, तो उनको चेयर के ऊपर पैर रखना पड़ता है, तो ये है वाइपरा। अगर वेंस के अंदर, वेरिकोज वेंस के अंदर थ्रॉबिंग टाइप का पेन है जिसे धड़कन सी फील हो रही है, तो रेमेडी आती है बेलाडोना और मैग्नेटिस पोलस ऑस्ट्रेलिस। मैग्नेटिस पोलस ऑस्ट्रेलिस में ये भी होता है जैसे पैरों के अंदर किसी ने गर्म पानी चला दिया हो, यानी कि ऊपर ना किसी ने गर्म पानी डाल दिया हो कि इतना हॉट फीलिंग आती है। तो हॉट फीलिंग में एक क्या था, पल्सेटेला थी, एक था आर्सेनिक और एक है मैग्नेटिस पोलस ऑस्ट्रेलिस। लेकिन सबका जो पेन का है ना वो डिफरेंट है। अब हम बात करते हैं पाइरोजेन के बारे में। इसमें क्या होगा कि अल्सर्स बन गए हैं, डिस्चार्ज आ रहा है वेरिकोज वेंस में, फ्रीली डिस्चार्ज बह रहा है, सेप्टिक कंडीशन हो गई है और बहुत ज़्यादा पेन है, तो पाइरोजेन। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं फ्लोरिक एसिड के बारे में। इसमें होता है कि बहुत पुराने केसेस हैं जिनमें दवाइयाँ नहीं काम कर रही हैं, ऑब्सीनेट केसेस जिन्हें बोलते हैं, उसमें फ्लोरिक एसिड काम आई जाती है। ये वो महिलाओं में काम आ जाती है जिनके बहुत सारे बच्चे हैं, 3, 4, 5 इससे ज़्यादा अगर बच्चे हैं तो, और उसके बाद में आपका वेरिकोज वेंस हो गया है कि बहुत मल्टीपैरा मतलब मल्टीपल प्रेगनेंसीज हो गई हैं, उसकी वजह से आपका वेरिकोज वेंस हो गए हैं, तो फ्लोरिक एसिड। एक्चुअली होम्योपैथी के अंदर बहुत सारी और मेडिसिन हैं, ये मैंने कुछ इंपॉर्टेंट मेडिसिन इस वीडियो में बताई हैं। अगर आपको वेरिकोज वेंस है और आपको कंसल्ट करना है तो आप मेरे दिए हुए नंबर पर अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। हाँ, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई वीडियोज, कि अगर मैं कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड करती हूँ और उसके साइड में एक बेल आइकन होता है तो वो भी आपको प्रेस करना है, उससे क्या होगा कि मैंने कोई वीडियो अपलोड किया है तो उसका नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा। इसके साथ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज, स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी, बाय बाय।